हेलो फ्रेंड्स फाउंडेशन ऑफ आर सॉफ्टवेयर के इस कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस लेक्चर से हम आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं वह है हमारा डेटा हैंडलिंग अर्थात हमारे पास डेटा हैंडलिंग को करने के लिए हमारा जो डेटा सेट होता है वो प्राय अलग अलग जगह से आता है या अलग लोग उस डेटा को तैयार करते हैं अब जब डेटा हमारे पास आ जाता है तो हमको उसको अपने आर सॉफ्टवेयर के अंदर रीड करना होता है वह क्यों जैसे कि अगर हम कहें कि आ, कोई डेटा सेट हमारा आपका स्प्रेडशीट में है अर्थात कि जैसे एम एस एक्सेल सॉफ्टवेयर में तैयार किया गया है कोई एक्सेल फाइल है कोई हमारी टेबुलर डेटा फाइल है कोई हमारी टी एक्स टी फाइल है इत्यादि तो इन सभी के अपने अपने फॉर्मेट्स होते हैं जो आंतरिक होते हैं जिस प्रकार से आप अगर कोई भी एक्सेल फाइल को अगर नोट पैड में खोलने की कोशिश करें तो आपको देखेंगे कुछ आपको अलग अलग से उसमें कुछ करेक्टर्स दिखाई पड़ेंगे क्यों उनका अपना एक आंतरिक स्ट्रक्चर होता है जिसके द्वारा उनका वहाँ पे उस फाइल को तैयार किया जाता है अब जब उस फाइल को आप आर सॉफ्टवेयर में आप लाने की कोशिश करते हो तो आर सॉफ़्टवेयर का जो इन्वायरमेंट है जो उसका स्ट्रक्चर है वो पहले से बिल्कुल अलग है तो क्या करना होगा उस फाइल को वहाँ से उठा करके आर सॉफ़्टवेयर के अंदर इस प्रकार से लेकर के आना है कि उसकी जो डेटा वैल्यूज़ हैं वो वैसी की वैसी ही रहे उनमें कोई परिवर्तन ना हो तो इस कार्य को करने के लिए हमारे पास आर सॉफ्टवेयर में कुछ कमांड्स होते हैं और उन कमांड की सहायता से हम अपनी एक्सेल फाइल टी फाइल सी फाइल या हमारे जो भिन्न भिन्न भिन सॉफ्टवेयर्स होते हैं लाइक एस पी एस एस मिनी टैब इत्यादि उनकी फाइल्स को हम यहाँ पर आर सॉफ्टवेयर के अंदर रीड कर सकते हैं और जब हम उस फाइल को उस सॉफ़्टवेयर से उठा करके अपने इस आर सॉफ्टवेयर के अंदर ले आएंगे उसके बाद ये हमारा एक डेटा ऑब्जेक्ट बन जाएगा या हमारा एक वेरिएबल नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा और उसके बाद हमने अभी तक जितने भी डेटा मैनिपुलेशंस के कमान सीखे हम सभी को उनके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं तो आज हम इस लेक्चर में आपको CSV फाइल और TXT फाइल अर्थात जो हमारी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स होती हैं और जो हमारी टेक्स्ट डेटा फाइल्स होती हैं उसके बारे में हम बताने की कोशिश करेंगे तो जैसा कि आपने देखा है कि ये सी एस वी फाइल्स क्या होती हैं सी एस वी फाइल के अंदर जो भी हमारी वैल्यूज़ होती हैं उनको हम कॉमा के द्वारा यूजुअली सेपरेट कर देते हैं और जो हमारी टेबुलर डेटा फाइल्स होती हैं उनका उनको हम यूजुअली डॉट टी एक्स फाइल कहते हैं और उनके अंदर एक ख़ास बात ये होती है कि वो हमारी जो डेटा हमारा रोज़ और कॉलम में इस प्रकार से अरेंज होता है कि हर रो एक किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को पूरी तरीके से दिखाती है और हर एक रो में हमारे पास जितनी भी डेटा फील्ड्स होती हैं वह हर रो के लिए समान होती हैं यह कुछ उसी प्रकार का हमारा उदाहरण है कि अगर हमारे पास पाँच स्टूडेंट हैं सपोज स्टूडेंट नंबर वन टू थ्री फोर फाइव और उनके हमारे पास फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स के नंबर हैं तो मैंने क्या किया कि मैंने पहले कॉलम में फिज़िक्स सेकंड कॉलम में मैथमेटिक्स थर्ड कॉलम में केमिस्ट्री के नंबर लिख दिए तो इसमें से क्या हुआ हर एक स्टूडेंट के हमारे पास तीन फील्ड्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और उसका जो डेटा मैंने पहली रो में मैंने अपने पहले स्टूडेंट का डेटा लिख दिया दूसरी रो में दूसरे स्टूडेंट का डेटा लिख दिया और इसी प्रकार से पाँचवीं रो में मैंने पाँचवीं स्टूडेंट का डेटा मैंने लिख दिया है तो उस डेटा को हम अपने आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से रीड करें वह हम आपको यहाँ पर समझना है और यहाँ पर हमने आपको इस कार्य को समझाने के लिए अपने कुछ छोटे छोटे उदाहरण तैयार किए हुए हैं और वह जो हमारी जो हमारी फ़ाइल्स हैं वो मैंने अपने इस कंप्यूटर में एक पर्टिकुलर लोकेशन पर स्टोर कर लिया है वो वह मैं आपको दिखाऊंगा बहुत ही छोटी छोटी फ़ाइल्स हैं आप उसको खुद भी टाइप करके तैयार कर सकते हैं और हम उन फ़ाइल्स का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो चलिए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और हम आपको इस इन तरह तरह की फ़ाइल्स को किस प्रकार से एक्सेस किया जाता है वो बताते हैं लेकिन सबसे पहले हम आपको एक और बात बता दें जो हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि जो हमारी फाइल्स होती हैं हम अपने सारे ऑपरेशन जो हैं उन सारी सारी फ़ाइल्स को अपने इस हार्ड डिस्क पर स्टोर कर दें और फिर उनको एक्सेस करें या हम उन फ़ाइल्स को किसी इंटरनेट साइट के ऊपर भी स्टोर करके वहाँ से हम उनको एक्सेस कर सकते हैं तो हम आपको यहाँ भी दिखाएंगे कि एक मैंने फ़ाइल है मैंने अपने होम पेज पर अपलोड कर दी है और उस फाइल को हम यहाँ पर आपको एक्सेस करके दिखाएंगे कि उस फाइल का भी जो डेटा है वहाँ से उठ करके आपके इस कंप्यूटर में आ जाएगा उसके बाद में आपको उसको जिस प्रकार से हैंडल करना है मैनेज करना है वो आप करते रहिए वो आपकी इच्छा है तो चलिए हम से लेक्चर को आरम्भ करते हैं और देखते हैं कि इन फाइल्स को किस प्रकार से यहाँ पर हैंडल किया जाता है ओके okay. तो सबसे पहला तो कार्य आपको यह करना है कि, आ, कि आपको अपनी एक वर्किंग डायरेक्टरी को सेट करना होगा तो आपको पता है कि वर्किंग डायरेक्टरी को सेट करने के लिए हमारा कमांड होता है सेट डब्ल्यू डी राइट right. और ये हम पहले कर चुके हैं सेट वर्किंग डायरेक्टरी और उसमें हम डबल कोर्स के अंदर अपनी उस फाइल या डेटा सेट की लोकेशन को लिख देते हैं तो उसी प्रकार से मैंने अपने कंप्यूटर पर यहाँ पे सी कोलन पर एक आर कोर्स नाम की आ, का एक फोल्डर तैयार कर लिया और उसके अंदर मैंने अपनी फाइल्स को कॉपी कर दिया है राइट right. और वहीं से हम अपने इस कोर्स में सारे सारे ऑपरेशन करेंगे तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सेट डब्ल्यू डी और साथ में इस फोल्डर का एड्रेस दे दिया हाँ जब आप इसको अपने कंप्यूटर पे करेंगे तो आप कोई भी लोकेशन में आप अपना फोल्डर तैयार कर लीजिए जहाँ से आपको अपनी फाइल्स को एक्सेस करना है तो ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है उसके बाद में अगर आपको ये देखना है कि आपकी वर्किंग डायरेक्टरी क्या है तो आपने करके रखा हुआ है कि आपको पता है कि इसका कमांड होता है हमारा गेट डब्ल्यू डी और फिर पैरंदिर लिखेंगे तो आपको ये डायरेक्टरी मिल जाएगी ओके okay, तो सबसे पहला कार्य आपको करना है कि आपको अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को सेट करना है अब इसके बाद अब हम अपने इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि मुझे डिफरेंट तरीके की डेटा फाइल्स को इंपोर्ट करने की क्या आवश्यकता पड़ती है तो आपको ये पता है कि हमारा जो भी डेटा होता है उसको हम डिफरेंट तरीके की फाइल्स में स्टोर कर सकते हैं और सपोज़ कि वो फाइल्स आपके कंप्यूटर पर हैं और ये जो हमारी फ़ाइल्स के फॉर्मेट हमारे अलग अलग हो सकते हैं जैसे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू डेटा फाइल टेबुलर डेटा फाइल और टी एक्स टी डेटा फाइल और स्प्रेड शीट अर्थात जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के द्वारा कोई हमारी फ़ाइल तैयार करी गई होती है जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट एक्स एल एस एक्स या डॉट एक्स एल एस राइट right. या हमारी एस टीमल टेबल फाइल्स होती हैं या हमारे कुछ डेटा फाइल्स ऐसी होती हैं जो हमारे किसी और सॉफ्टवेयर्स लाइक एस जैसे एस पी एस एस है मिनी टैब है वहाँ से आई होती हैं एस पी एस एस और मिनी टैब हमारे स्टैटिस के सॉफ्टवेयर होते हैं और उसके अंदर भी हम अपने डेटा को हैंडल करते हैं और उसके अंदर अपने स्टैट के जो फंक्शंस हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए हमको किस प्रकार से मैंने डेटा को वहाँ पर अरेंज किया है उसी डेटा को हम अपने आर्ट्स सॉफ्टवेयर के अंदर भी ले करके आना चाहते हैं राइट right. तो लिए आपको हम अपनी कंप्यूटर से फ़ाइल को रीड करने के पहले ये बता दें कि हमको अगर मुझको अपनी किसी फाइल को किसी इंटरनेट साइट से एक्सेस करना है तो इसको किस प्रकार से किया जाए तो इस बात को दिखाने के लिए मैंने काम किया है मैंने अपने होम पेज पर एक मैंने फ़ाइल को अपलोड कर दिया है तो ये हमारे होम पेज का एड्रेस है होम डॉट आई टी के डॉट ए सी डॉट आई एन एस एच एल ए बी और वहाँ पर मैंने एक आर कोर्स नाम की एक डायरेक्टरी बना दी है और उसके अंदर मैंने अपना डेटा दिया हुआ है म्यूनिक डेटा डॉट एस सी तो ये क्या है ये जो म्यूनिक शहर है जर्मनी में ये वहाँ पे कुछ हमारे हाउस रेंट से रिलेटेड कुछ एक फ़ाइल है लेकिन उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके लिए खाली बस आपको इतना देखना है कि ये इस फ़ाइल के अंदर कुछ हमारा नूमेरिकल डेटा है और ये फ़ाइल यहाँ पर कंप्यूटर पर नहीं है ये हमारी इंटरनेट की साइट पर है और उसको हम वहाँ से साइट से अपने इस आर सॉफ़्टवेयर के अंदर हम उसको डायरेक्ट रीड कर सकते हैं और उसको हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं अपने आर सॉफ्टवेयर के अंदर और उसके ऊपर हम अपने भिन्न भिन्न तरीके के जो भी ऑपरेशन हैं उनको कर सकते हैं तो ये कार्य किस प्रकार से किया जाए ये यह मेरा यहाँ ऑब्जेक्टिव है राइट right. तो देखिए जो हमारी फाइल है इसको रीड करने के लिए हमें एक कमान यूज़ करते हैं रीड डॉट केबल आर ई ए डी डॉट टी ए बी एल ई और फिर हम पैरेंथिस में लिखते हैं फाइल इज इक्वल टू और यहाँ पे हम अपने इस पूरे पूरे एड्रेस और फाइल नेम को यहाँ पे लिख देते हैं डबल कोर्स के अंदर राइट right. और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं हेडर इज इक्वल टू टू अब ये रीड डॉट टेबल क्या होती है फ़ाइल क्या होती है हेडर क्या होती है इसके बारे में हम अभी इसी लेक्चर में आगे पढ़ने वाले हैं लेकिन हम आपको सिर्फ यहाँ पर यह दिखाना चाहते हैं अभी कि हम इस फाइल को इंटरनेट साइट से यहाँ पर डायरेक्ट रीड करके हम इसको अपने आर के अंदर स्टोर कर सकते हैं तो इस फाइल को स्टोर करने के लिए मैंने एक यहाँ पर नाम दे दिया डेटा म्यूनिक राइट अब हम आपको दिखाते हैं कि जरा सा इस फाइल को जब हम अपने आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से रीड करेंगे तो सबसे पहले तो हम आपको दिखा देते हैं कि ये फाइल कहाँ पे देखी है तो हम इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर में यहाँ पे अपनी साइट में आपको दिखाते हैं तो ये देखिए ये तरह आपको दिखाई पड़ेगी इसका फ़ोन छोटा है बड़ी फाइल है तो इसका चलिए मैं फ़ोन तो में बहा कहता हूँ मैं आपको दिखाई पड़ेगी इस तरह की फाइल है ये लेकिन आप ये देखेंगे कि ये बड़ी फाइल है तो तो लेकिन इसकी वैल्यू क्या दी है इससे कोई आपको मतलब नहीं होना चाहिए मैं तो खाली आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको अपने आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं तो देखिए ये वाली फ़ाइल का जो नाम और एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया और उसको मैंने अपने आर सॉफ्टवेयर में किया तो देखिए इसने यहाँ पर इसको डेटा म्यूनिक इसने देखिए इस फाइल को यहाँ पर रीड कर लिया देखा आपने ये बहुत बड़ी सी फाइल है तो आपको यहाँ पर पूरी नहीं दिखाई पड़ रही है लेकिन आप अगर देखेंगे आप अगर तो आपको ये देखिए इस तरह से पूरी फाइल ये आपको दिखाई पड़ेगी आपको ये राइट तो इस तरह से मैंने मैंने देखी इस पूरी पूरी फ़ाइल को मैंने यहाँ पर आपको लोड कर लिया है अब उसके बाद में अगर आपको अगर कभी भी इसको अगर कार्य आपको करना इसके ऊपर है तो आप इसको डेटा म्यूनिक के नाम से कॉल कर सकते हैं और इसमें से जो भी आपको अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन करने हैं या डिफरेंट तरीके के ऑपरेशन करने हैं आप उनको बहुत आराम से यहाँ पर कर सकते हैं ओके तो अब हम चलिए अगली बात करते हैं कि अगर हमको एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यू को अगर रीड करना है तो उसको हम किस प्रकार से करेंगे राइट right. तो जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ की फ़ाइल होती है उसके अंदर क्या होता है यूजुअली हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम कॉमा के द्वारा सेपरेट कर देते हैं कॉमा के अलावा भी हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं लेकिन एट दिस मोमेंट हम लोग खाली अपने डॉट सी की बात कर रहे हैं बाद में हम आपको इसके बारे में बताएंगे तो देखिए इस रीड डॉट सी एस वी को फाइल को रीड करने के लिए हमारा कमांड होता है रीड डॉट सी एस वी और फिर उसके बाद हम डबल कोर्स में उस फाइल का नाम लिख देते हैं और एक्सटेंशन भी साथ में लिखेंगे डॉट सी एस वी राइट और इसके पहले मैंने इस जो भी मैंने उदाहरण लिया उसको रीड करने के लिए मैंने अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को यहाँ पे सेट कर लिया है राइट right, आप देखिए मैंने एक यहाँ पे छोटी सी फाइल तैयार करी है वो मैं आपको दिखाता हूँ इस फाइल का नाम मैंने दिया एग्जाम्पल वन डॉट सी और इसको मैंने यहाँ पे कमाल लिखा री डॉट सी और डबल कोर्स के अंदर इस फाइल का नाम दे दिया और इसको मैंने स्टोर कर दिया एक वेरिएबल में जिसका नाम मैंने दिया है डी ए टी तो देखिए पहली बात तो यही आती पहले मैं आपको दिखा दूँगी देखिए ये यह हमारी यहाँ पर आर कोर्स की डायरेक्ट्री बनी आप इसका एड्रेस यहाँ पे देख सकते हैं टिकोलन पर है ये अब उसके बाद हम इस इस फाइल में आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल वन और एग्ज़ाम्पल थ्री दो फाइल्स हैं तो अभी हम एग्ज़ाम्पल वन को यहाँ पे देखिए खोलते हैं तो ये देखिए आपको इस तरह की फ़ाइल दिखाई देगी यहाँ पर देखिए इस तरह की वैल्यूज़ है राइट जो पहला कॉलम है वहाँ पे कितनी वैल्यूज़ हैं वन टू थ्री फोर फाइव दूसरे कॉलम में है टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी और तीसरे कॉलम में है हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड तो अब इसको ये जो वैल्यूज़ मैंने लिए हैं थोड़ा सा मैंने आसान तरीके से इनके नंबर लिए जैसे कि आपको वो ध्यान में रहा है जैसे कि पहली रो में पहली कॉलम में जो वैल्यूज़ हैं उसमें एक ही डिजिट है दूसरे कॉलम में दो डिजिट्स की वैल्यू है तीसरे कॉलम में तीन डिजिट की वैल्यू है इसी तरह से पहली रो में जो मैंने वैल्यू ली है वो है वन टेन हंड्रेड दूसरे में टू ट्वेंटी टू हंड्रेड एंड सो ऑन राइट इस इस प्रकार से मैंने वैल्यू ली है जिसको देख कर के आपको समझ में आ जाए तो चलिए अब हम ज़रा सा इन वैल्यूज़ को हम अपने यहाँ पे आर सॉफ्टवेयर में पढ़ने की कोशिश करते हैं तो देखिए ये आपको मैंने इसका एग्ज़ाम्पल वन डॉट सी एस वी का स्क्रीन शॉट भी दे दिया है जहाँ पे देखिए इस तरह की वैल्यूज़ आपको आपने देखी हैं और यहाँ पे देखिए आपका क्या है ये कॉलम नेम आपको क्या दिए ए बी सी और रो नेम क्या दिए हुए हैं वन टू थ्री फोर फाइव ओके अब हम जरा सा इस फाइल को अपनी अपने आर सॉफ्टवेयर में रीड करने की कोशिश करते हैं तो मैंने कह दिया रीड डॉट सी एस वी और पैरेंथिस में लिख दिया मैंने एग्ज़ैम्पल वन डॉट सी एस वी और दोनों को डबल कोर्स के अंदर बंद कर दिया तो और जो भी इसका आउटकम आएगा वो हमारे मैंने डी ए टी के अंदर डेटा के अंदर स्टोर कर दिया तो अब देखिए यहाँ पर एक तो सवाल यही आता है कि यह दो नाम क्यों चाहिए तो देखिए ये जो एग्ज़ैम्पल वन डॉट सी एस वी फाइल है ये तो हमारी आ, जो कोई और एक सॉफ़्टवेयर है जो कि डॉट ए फाइल को हैंडल कर सकता है ये उसके लिए तैयार करी गई है अब उसी फ़ाइल को अगर मुझको एक अच्छे तरीके से उसकी इंफॉर्मेशन कोई ना वहाँ से ख़त्म हो जाए और उसको हम अपने आर सॉफ्टवेयर के अंदर हैंडल कर सके इस कार को करने के लिए मैंने रीड डॉट सी का कमांड यूज़ किया और उसके बाद ये जो हमारी फाइल का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगा और अब यह डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई और ये जो हमारा फाइल नेम होगा डी ए टी ए ये हमारा आर के साथ में कंपैटिबल है हम इसको आर के अंदर हैंडल कर सकते हैं राइट right. तो अब देखिए जब आप आ, अपने आर कंसोल पे करेंगे तो देखिए आपको इस तरह का आउटपुट मिलेगा कि ये डी ए टी को जब आपने किया तो देखिए इस प्रकार की आपकी वैल्यू आ गई अब ज़रा से यहाँ पर आपको कुछ ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या देखिए हो रहा है और ये इसका स्क्रीन शॉट भी है अब जरा सा आप ध्यान दीजिए ये आपकी जो ओरिजिनल फाइल थी तो ये तो यहाँ पे वैल्यूज़ आपकी एक से शुरू हो रही हैं और पाँच तक रहती हैं और इस तरह के तीन कॉलम हैं और जब आप डेटा का आउटपुट देखेंगे तो इसमें से ये एक्स वन एक्स टेन एक्स हंड्रेड ये कहाँ से आ गए और यही काम आप अगर देखेंगे इसके अंदर भी जो अपने स्क्रीन में भी इसमें भी आपको दिखाई देगा कि ऐसा ही है ये और साथ ही आप अगर एक और अंतर देखेंगे कि जो आपकी वैल्यू है शुरू हो रही है वो है जैसे एक दो तीन चार पाँच तो लेकिन ये वैल्यू तो दो तीन चार पाँच से शुरू हो रही हैं जो आपकी पहली रो है वो आपकी है वन टेन हंड्रेड लेकिन यहाँ तो पहली रो आपकी टू ट्वेंटी टू हंड्रेड हो गई और यही देखिए आपको यहाँ भी आर सॉफ्टवेयर का जो आउटकम है यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है राइट तो ये क्या हो रहा है ये कहाँ से हो गया और इसका क्या मतलब है ये तो आपने जिस प्रकार का डेटा आप चाहते थे आर ने उसको किसी और प्रकार से बदल दिया है तो यह कैसे हो गया तो ये सब जरा हमारे छोटे छोटे सवाल हैं जिनको हम समझने की कोशिश करते हैं तो अब अगर आप यहाँ पे देखिए मैंने आपको यहाँ पे अपना जो सी एस वी फाइल का आउटपुट दिया हुआ है और साथ में मैंने आपको जब मैंने इसको आर के अंदर किया मैंने उसका वहाँ का आउटपुट दिया हुआ है देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया एक्स वन एक्स और यहाँ पे क्या था आ गया आपका वन टेन हंड्रेड तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है पहले मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको पता है कि जब हमने आपको उदाहरण दिया था कि मैंने अपने स्टूडेंट्स के नंबर जो भी हैं फ़िज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के नंबर लिखे हुए हैं तो मैंने पहली रो में लिख दिया था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिर यहाँ पे मैंने उनके नंबर दे दिए थे बीस चालीस साठ और से ट्वेंटी फाइव थर्टी से सेवेंटी एंड देन से नाइन्टी एट्टी सिक्सटी इत्यादि ये हमारी पहली रो हो गई दूसरी ये हो गई तीसरी ये हो गई फोर्थ ये हो गई आप मुझे ये बताइए जो आपने यहां पर ये पहली रो जो आपने लिखी हुई है ये क्या पहली रो है ये पहली रो थोड़ी है इसको तो बोलते हैं हेडर है राइट और आर क्या कर रहा है आर ये समझ रहा है कि पहली रो में जो भी वैल्यू दी है ये आपके हेडर की वैल्यू है और इसीलिए इसने हेडर को एक नाम दे दिया है और इसने क्या किया कि जो आपका पहली रो में वैल्यूज थी वन टेन हंड्रेड उसके आगे यहाँ पर उसने इस संख्या के पहले उसने एक्स लगा दिया है और इसने ये जो एक्स वन एक्स टेन एक्स हंड्रेड है ये उसने हेडर के नाम दे दिए हैं अर्थात जो हेडर के अंदर उसने दे दिया कि ये जो वेरिएबल है टू थ्री फोर फाइव इस वेरिएबल का जो कॉलम नेम है एक्स वन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी का जो कॉलम नेम है वो है एक्स टेन और टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड का जो कॉलम नेम है एक्स हंड्रेड राइट तो चलिए इसको करने के पहले जरा हम आपको पहले आर सॉफ्टवेयर में इस कार को करके दिखा दें सो देट कि आप और हम एक साथ ही आगे बढ़ते हैं राइट right. तो सबसे पहले मैंने अपनी ये जो वर्किंग डायरेक्ट्री है इसको मैंने देखिए कर लिया अब आपको देखिए वर्किंग डायरेक्ट्री हमारी मिल जाएगी सी कोलन आर कोर्स वाली इसके बाद में मैंने जरा डेटा वाली फ़ाइल को मैंने यहाँ पर स्टोर कर लिया तो अब आपने देखा कि आपको डेटा फाइल किस प्रकार से मिल रही है देखिए यहाँ पे x1, x10, x100 आ गया और यही हमारे जीवन की समस्या है कि ये कि ये कहाँ से आ गया लेकिन अब उसका मैंने आपको उसका कारण भी बता दिया कि ये क्यों हो रहा है ये तो अब दूसरा सवाल आता है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए तो देखिए बहुत ही ऑब्वियस सी बात है आपने कभी आर को बताने की कोशिश ही नहीं करी है अभी तक कि आपके डेटा में कोई हेडर है या नहीं और जब अगर हेडर नहीं है या हाँ है या अगर है तो आर इस बात को कैसे पहचानेगा आर को तो कोई कोई एक डिफॉल्ट फैसला करना पड़ेगा तो उसने फैसला कर लिया है कि हर एक फ़ाइल में हैडर होता है तो इस फाइल के अंदर भी हैडर होगा और इसीलिए उसने पहली रो में जो भी नाम दिए थे उसको उसने हेडर की तरह ट्रीट कर लिया अर्थात अगर आपको इस समस्या का समाधान करना है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देना पड़ेगा जिसके द्वारा आप यह बता सकें अपने आर सॉफ्टवेयर को कि क्या इस फाइल में हेडर है या नहीं ओके okay. तो इस कार्य को करने के लिए हम क्या करते हैं हम एक ऑप्शन का यूज करते हैं हेडर एच ई ए डी ई आर राइट और इसको हम अपने रीड डॉट सी एस वी कमांड के अंदर पैरेंथिस के अंदर हम डेटा फाइल को लिखने के बाद में हम यहाँ पे हेडर के बारे में लिखते हैं कि ये हमारे दो वैल्यू ले सकता है ट्रू या फॉल्स तो अगर ये हम कहते हैं header इज equal टू ट्रू इसका मतलब है कि उस फाइल में हेडर है तो उसको जो हमारा डेटा है जो हमारा आर सॉफ्टवेयर है उस डेटा फाइल को उस प्रकार से रीड करेगा और अगर हम बोलते हैं कि हेडर इक्वल टू फॉल्स अर्थात कि उस फाइल में हेडर नहीं है तो फिर उसमें से आर सॉफ्टवेयर उसमें तो हेडर को रीड करने की कोशिश नहीं करेगा और जो पहली रो है उसको वो हेडर के फॉर्म में चेंज नहीं करेगा तो अब देखिए हम क्या करते हैं कि हम देखिए हमारी इस वाली फाइल में जो अभी हमने एग्जाम्पल वन डॉट सी एस वी लिया है इसके अंदर तो हेडर है ही नहीं तो मैंने यहाँ पर हेडर इज इक्वल टू फॉल्स और फिर से मैंने देखिए इस डेटा को रीड किया तो देखिए क्या आ गया रीड डॉट सी एस वी को मैंने इस्तेमाल किया और फाइल नेम और हेडर एक को इस्तेमाल किया और इसका जो आउटकम आया इसको मैंने डेटा के अंदर स्टोर कर लिया इस वेरिएबल के अंदर अब इसका देखिए कुछ आउटकम ऐसा आ गया इसलिए देखिए जो आपकी वैल्यू थी पूरी की पूरी एक से पाँच तक की और दस से पचास तक की और सौ से पाँच सौ तक की जो आपने यहाँ पर वैल्यू ली थी ये पूरी पूरी वैल्यू इसने आपको यहाँ पे दे दी और उसके साथ ही उसने क्या किया कि जो इसका जो उसकी पहली रो है इस वाली पहली रो में इसने ये जो V1, V2, V3 इसने इनके कॉलम के नाम खुद ब खुद दे दिए ये आपका कॉलम वन का नाम हो गया ये कॉलम टू का नाम हो गया और ये कॉलम थ्रीन का नाम हो गया तो इसने V1, V2, V3 इसने सोए उस डेटा फाइल में कॉलम्स के नाम दे दिए अब देखिए जब इसने नाम सोए दे दिए हैं तो आपको नहीं लगता है कि ये नाम कुछ ऐसे होने चाहिए जो आपके हिसाब से हो और जो आपको समझ में आए तो तो हमने क्या किया कि हमने इनके जो भी नाम को चेंज करने की कोशिश करी अब उस और सवाल है कि उसको कैसा किया जाए तो देखिए यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन दिखा दूँ आगे बढ़ने के पहले देखिए यह आपका ओरिजिनल डेटा फाइल थी और यहाँ से आपने जब इसको हेडर इक्वल टू फॉल्स के द्वारा रीड करने की कोशिश करी तो इसने देखिए आपको यहाँ पर, पर यह सही रीडा सही डेटा रीड कर लिया और साथ में इसने कॉलम नेम दे दिए v1, v2, v3। राइट right, अब हम इस समस्या का समाधान करते हैं कि अपनी इस फाइल के अंदर अपने कॉलम नेम्स को किस प्रकार से चेंज किया जाए तो देखिए अब कॉलम का नाम बदलने के लिए ये वाला कार तो आप पहले भी कर चुके हैं और आपने एक कमांड पढ़ा था नेम्स उसके द्वारा हम इसका नाम बदल सकते हैं तो मैंने उस कमांड को यहाँ पे इस्तेमाल किया और मैंने इसमें लिखा नेम्स और पैरथिस में लिख दिया अपना वेरिएबल नेम डेटा और उसके बाद हमारे पास तीन कॉलम हैं तो उन तीन कॉलम्स को हम कोई भी जो भी नाम देना चाहते हैं वो मैंने एक डेटा फाइल में लिख दिया कॉलम वन कॉलम टू और कॉलम थ्री तो कॉलम वन हमारा पहले कॉलम का नाम कॉलम टू हमारा दूसरे कॉलम का नाम और कॉलम थ्री हमारा तीसरे कॉलम का नाम हो गया और इसको मैंने अपने इस डेटा के ऊपर ऑपरेट करवा दिया अब देखिए जो आपको आउटकम मिलेगा उसमें देखिए क्या हो गया पहले आपका क्या आ रहा था यहाँ पर v1, v2, v3 और अब ये आ रहा है कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री तो आपने देखा कि इस प्रकार से आपने इसका अपना नाम भी चेंज कर लिया तो देखिए ये था आपका वी वन वी टू वी थ्री और अब आपका हो गया कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री राइट तो चलिए जरा सा आगे बढ़ने के पहले हम इस ऑपरेशन को जरा सा आर सॉफ्टवेयर में आपको हम करके दिखाते हैं कि इसको किस किस प्रकार से किया जाएगा तो चलिए सबसे पहले हम अपने इस कमांड में जरा सा हेडर के ऑप्शन को भी इस्तेमाल करते हैं राइट right, और मैंने यहाँ पे लिख दिया सेव हेडर इक्वल टू फॉल्स देखिए और जैसे मैंने हेडर इक्वल टू फॉल्स दिया तो देखिए इसका डेटा की वैल्यू बदल गई और जो ऊपर आपने देखा था पहले कि यहाँ पर इसमें से कॉलम नेम्स आ रहे थे एक्स वन एक्स टेन एक्स हंड्रेड अब वह हो गए वी वन वी टू राइट और अगर इन्हीं v1 v2 v3 को आप अगर बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना जो नेम्स का कमांड है आप उसको इस्तेमाल कर लीजिए तो आप जब भी आप यहाँ पर अपना नेम्स का आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आपने इसमें नाम दे दिए इसके कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री देखिए इसके बाद आप डेटा देखिए तो क्या हो गया पहले आपका था वी वन वी टू वी थ्री और अब आपका हो गया कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री तो अब आप आपने देखा कि इस प्रकार से आपने अपने इस सी एस वी फाइल को रीड कर लिया और अगर आप एक बार समझने की कोशिश करिए तो आपने किया क्या आपका ये जो सी एस पी फाइल है ये आपकी आ, आपके कंप्यूटर में रखी थी और इसका फॉर्मेट कुछ और था लेकिन अब आप उसको आपने अपने आर सॉफ्टवेयर में कॉल कर लिया है और इसके बाद में जो भी ये वैल्यूज़ आई हैं उसके ऊपर आप अपने ऑपरेशन खुद ब खुद कर सकते हैं और वो ऑपरेशन के कमांड तो आपको पहले से मालूम है जैसे हम उदाहरण के लिए आपको बताएं कि अगर आपके पास ये आपकी फ़ाइल का नाम है डेटा और वहाँ से आप कॉलम वन में जो वैल्यूज़ हैं इनको एक्सेस करना चाहते हैं तो अब ये तो आपने अभी पढ़ के रखा था एक लेक्चर पहले ही आपने कि अगर मुझे किसी वेरिएबल की वैल्यूज़ को अगर मुझे एक्सेस करना है तो हम उसमें डेटा का नाम लिखेंगे डी ए टी ए जो भी हमारा नाम है उसके बाद डॉलर साइन लगाएंगे और उसके बाद में कॉलम जो भी हमारे वेरेबल का नाम है कॉलम वन उसको हम लिख देंगे तो देखा आपने कहा कॉलम वन तो देखिए इसने आपको ये वन टू थ्री फोर फाइव दे दिया और उसी प्रकार से आपने कहा यहाँ पे कॉलम टू तो उसने आपको ट्वेंट ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी दे दिया और जब आपने कहा कॉलम थ्री तो उसने आपको हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव दे दिया अब अगर इसी पर अगर आप अगर मान लीजिए कि आप अपना अर्थमेटिक मीन निकालना चाहते हैं तो आप इसमें लिख दिए मीन और देखिए आपको इसका मीन मिल गया तो अब आपने देखा कि जिस प्रकार से आपने पहले सारे के सारे ऑपरेशन करे हुए थे ये सारे ऑपरेशन अब यहाँ पर कार्य आ रहे हैं और आपको खाली इतना ही देखना है कि आप अपनी इस डेटा वैल्यू को आर सॉफ्ट के वेयर के अंदर किस प्रकार से रीड करने की कोशिश करेंगे राइट अब इसके बाद में जैसा मैंने बताया कि प्रायः सी फाइल में जो हमारी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं लेकिन कॉमा के अलावा भी हम कई सारे सेपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं तो अगर आपकी फ़ाइल में कॉमा के अलावा कोई और सेपरेटर अगर इस्तेमाल किया गया है तो इस फाइल को किस प्रकार से रीड किया जाए उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं तो अब जैसे कि हमारे पास एक ऑप्शन होता है एस ई पी जो हमारा शॉर्ट फॉर्म है सेपरेटर का राइट right, ये हमारा वर्ड है सेपरेटर और इसका शॉर्ट फॉर्म फॉर्मले लिख दिया सेप और आप अगर मान लीजिए कि आपकी जो फाइल टैब डी लिमिटेड है अर्थात जो उसमें से दो वैल्यूज़ हैं उनको टैप के द्वारा अलग अलग किया गया है तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सेप इजिकल टू डबल कोर्स में बैक स्लैश टी तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये हमारी फाइल में डेटा टैप के द्वारा डिलिमिट किया गया है और हम यहाँ पे अपना जो कमान था री डॉट सी एस वी और साथ में यहाँ पे डेटा फाइल का नाम है उसमें हम ऐड कर देंगे सेप इजिक्वल टू टी और उसको डबल कोर्स में लिख देंगे और इसका जो भी आउटपुट आएगा आप उसको एक नए वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं उसी प्रकार से अगर आपकी वैल्यूज़ किसी ब्लैंक स्पेस के द्वारा अगर अलग अलग करी गई हैं डीलिमिट करी गई हैं तो उनको कैसे हैंडल किया जाए तो उसके लिए हमारे पास हम यहाँ लिख देंगे स्टेप इज इक्वल टू डबल कोर्स में लिख देंगे ब्लैंक स्पेस तो इसमें से जो भी आपका डेटा फाइल में जो भी वैल्यूज़ होंगी वो आपकी डेटा के अंदर स्टोर हो जाएंगी और इसी के साथ में आप अगर चाहें तो आप यहाँ पर अपना हेडर इज इक्वल टू ट्रू या फॉल्स को भी जो भी आपकी आवश्यकता आप है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं राइट तो अब आपने देखा कि सी एस फाइल को रीड करने के लिए हमने कुछ ऑप्शंस के बारे में यहाँ पर बात करी है जो हमारे कॉमन ऑपरेशन होते हैं और आगे भी हम देखेंगे कि हमको अगर भिन्न भिन्न प्रकार की फाइल्स को अगर रीड करना है तो यही ऑप्शंस हमारे वहाँ भी काम में आएंगे जैसे कि इज इक्वल टू ट्रू और फॉल्स सेपरेटर के बारे में जो हमने बात करी है ये हमारे पास वहाँ भी काम आएंगे तो अब आपका मेन काम ये रह गया है कि आपके पास अगर किसी और फॉर्मेट की फ़ाइल आती है तो उसको हम रीड करने के लिए आर में कौन सा कमांड यूज़ कर रहे हैं राइट तो चलिए इसी आ, बात को आगे बढ़ाते हैं और हम जरा सा अब अपनी एक टेबुलर डेटा फाइल को की बात करते हैं कि जो हमारी टेबुलर डेटा फाइल को किस प्रकार से रीड किया जाए तो जो टेबलेट डेटा फाइल्स होती हैं ये हमारी टेक्स्ट फाइल होती हैं और इनका फॉर्मेट बहुत ही आसान सा होता है कि हर एक लाइन में एक रिकॉर्ड होता है और हर एक रिकॉर्ड के अंदर जो नंबर ऑफ़ फील्ड्स होती हैं वो हमारी बराबर होती हैं और जो उसमें से वैल्यूज़ लिखी जाती हैं उनको हम टैब कोलन कॉमा स्पेस इत्यादि के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं और हर एक रिकॉर्ड में हमारे पास जो नंबर ऑफ़ फील्ड्स होती हैं बराबर होती हैं जैसे अभी जो जो मैंने आपको उदाहरण लिया था कि मैंने मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के नंबर लिखे हैं और यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट हैं वन टू थ्री फोर फाइव तो अब अगर आप अगर देखेंगे तो हर एक रो में एक एक स्टूडेंट का डेटा है और हर एक स्टूडेंट का हमारा डेटा तीन तीन फील्ड्स पर है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड सो ऑन तो हर एक एक स्टूडेंट चाहे स्टूडेंट नंबर वन हो चाहे दो हो उसका मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में डेटा अवेलेबल है राइट right. इस प्रकार का जो हमारा कबुलर डेटा होता है उसको हम यहाँ पे अपने आज सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से रीड करें ये सवाल हमारे सामने है तो इस तरह की टेक्स्ट फाइल को या टेबल ऑफ़ डेटा को रीड करने के लिए हमारे पास कमांड होता है रीड डॉट टेबल और हम क्या करते हैं कि रीड डॉट टेबल को लिख करके उसको फिर हम पैरेंथिस में डबल कोर्स के अंदर अपना जो भी फाइल नेम है एक्सटेंशन के साथ में डॉट टी टी उसको हम लिख देते हैं और उसके बाद हम उस फाइल को रीड कर लेंगे राइट right. तो देखिए आपको यहाँ पे उदाहरण दिखाने के लिए मैंने एक छोटी सी एक डेटा फाइल तैयार करी है और चलिए मैं आपको ये पहले डेटा फ़ाइल दिखा देता हूँ इसको मैंने एग्ज़ाम्पल थ्री का नाम दिया हुआ है और ये आप देखेंगे कि ये हमारे इसी आर कोर्स फोल्डर के अंदर ही है एग्ज़ाम्पल थ्री देखिए ये जो है ना ये मैं दिखा रहा हूँ अब इसको आप अगर खोलेंगे तो इसको देखेंगे तो ये देखिए आपकी फ़ाइल ऐसी है इसमें से ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हमने एक ब्लैंक स्पेस के द्वारा अलग अलग किया गया है और अब देखेंगे ये वैल्यूज़ हमारी वही हैं जो हमने अभी अपने सी फाइल में यूज़ करी थी और ये मैंने जान करके किया हुआ है जिसके द्वारा कि आपको समझने में आसानी हो जाए कि पहले कॉलम में जो वैल्यूज़ हैं उसमें खाली एक ही डिजिट है दूसरे कॉलम में जो वैल्यूज उसमें दो डिजिट्स हैं और तीसरे कॉलम में जो वैल्यूज़ हैं उसमें तीन डिजिट्स हमारी हैं राइट तो और अगर आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसी का आपको स्क्रीनशॉट भी मैंने यहाँ पे दिया है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए राइट देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट है राइट right, तो देखिए ये आपका डेटा है अब जरा सा इसी डेटा को हम अपने आर सॉफ्टवेयर में पढ़ने की कोशिश करते हैं उसके लिए हम कमान लिखते हैं यहाँ पे रीड डॉट टेबल और फिर जो उस फाइल का नाम है एग्जाम्पल थ्री डॉट टी एक्स थी उसको मैंने डबल कोर्स के अंदर लिख दिया और साथ में हमारा जो सेपरेटर क्या है ये एक ब्लैंक स्पेस है राइट right. जैसे ही हम इसको यहाँ पे रीड करने की कोशिश करेंगे देखिए हमको इस प्रकार का आउटकम यहाँ पर मिल जाएगा अब आप आपको पता है कि ये V1, V2, V3 टू वी थ्री क्या आ रहा है दे और ये देखिए क्या है ये आपका है डेटा जो आपने एंटर किया था यहाँ पे राइट right. और इसके साथ में ये जो आपका है V1, V2, V3 टू वी है ये आपका कॉलम नंबर वन का नाम है V2 आपका कॉलम नंबर टू का नाम है और V3 आपका कॉलम नंबर थ्री का नाम है जो आर सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली उनको दिया है आप अगर चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं राइट और देखिए ये आपका स्क्रीनशॉट है देखिए री डॉट टेबल एग्जाम्पल थ्री डॉट टी एक्स टी सपरेटर इज इक्वल टू विद इन डबल कोर्ट्स ब्लैंक स्पेस और देखिए ये आपका आउटकम आ गया यह आपके कॉलम्स के नाम आ गए अब जरा से हम आपको यही कार्य आजरासा आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं राइट तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे इस कमांड को कॉपी कर लिया और अब हम यहाँ पे अगर आते हैं तो अपने इस आर सॉफ़्टवेयर के अंदर तो देखिए आपका डेटा क्या आ गया देखिए वी वन वी टू वी थ्री प्रकार से आ गया और इसके अंदर भी आप अगर किसी वेरिएबल को अगर कॉल करना चाहें अगर तो देखिए डेटा डॉलर अगर आप उसका नाम नहीं बदलना चाहते हैं आपका दिए वी वन ऐसे आप कर देंगे V2 तो आपको देखिए पहले और दूसरे कॉलम का डेटा मिल गया और इसी के अंदर आप अगर इसका अगर आप अगर नाम अगर चेंज करना चाहते हैं तो आपका यही जो कमांड है नेम्स वाला वो आपको देखिए यहाँ भी काम कर जाएगा और आप देखेंगे कि आपका जो नाम है अब ये कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री हो गया पहले क्या था वी वन वी टू वी थ्री और इसी में आप अगर मान लीजिए कि अपने इस किसी पर्टिकुलर डेटा को आप अगर कॉल करना चाहते हैं जैसे कि कॉलम थ्री का डेटा आप यहाँ भी कर सकते हैं कॉलम थ्री कर सकते हैं और अगर इसी का अगर आपको मान लीजिए इसका अगर मीन निकालना अगर है तो आप देखेंगे आप मीन ऑफ दिस कितना आ गया थ्री हंड्रेड आ गया आप अगर मीन अगर अपने दूसरे कॉलम का निकालना चाहते हैं तो देखिए थर्टी आ गया एंड सो ऑन तो इस तरह के आप अपने जो भिन्न भिन्न ऑपरेशन हैं उनको आप यहाँ पर बहुत आसानी से कर सकते हैं राइट right. तो चलिए अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं और आपने देखा कि इस लेक्चर में हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना की बात करी कि किस प्रकार से हम अपनी बाहर की फ़ाइल्स को हम अपने आर सॉफ्टवेयर के अंदर रीड कर सकते हैं तो यहाँ पे आज मैंने आपको जो भी सी एस वी फॉर्मेट होता है टेबुलर फॉर्मेट होता है उसके बारे में बताया है अब देखिए मैंने आपको डेटा फाइल को रीड करना बता दिया अब उसमें से आपके पास जो भिन्न भिन्न प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं वो तो हम पिछले बहुत सारे लेक्चर्स में सीखते हुए आए हैं उसके अलावा आप जिस प्रकार का कार्य करते हैं उसमें आप किस तरह की फाइल्स को यूज़ करते हैं आप उन फ़ाइल को यहाँ पे किस प्रकार से लेकर के आ सकते हैं ये आपको देखना है अब जैसे कि मैंने आज अगर सी और टी की बात करी है तो अगर आपको इसके ऊपर कोई उदाहरण करना चाहते हैं तो आपके पास कोई ना कोई एक्सेल फाइल होगी आप एक्सेल फाइल को आप सेव एज़ टी या सेव एज सी कर लीजिए और उसी फाइल को ज़रा सा आर सॉफ्टवेयर में रीड करिए उसमें से किस प्रकार से हम उनके जो वेरिएबल्स हैं हम उनको बाहर निकाल सकते हैं उसके ऊपर हम अपने भिन्न भिन्न तरह के जो ऑपरेशन हैं जैसे मैंने आपको मीन निकाला है आप प्रोडक्ट इत्यादि इत्यादि आप उनको निकाल सकते हैं और उसके साथ ही आप जिस प्रकार का कार्य आप पहले करते थे एक्सेल में या स्प्रेडशीट में आप उसी कार को जरा सा आर सॉफ्टवेयर में करने की कोशिश करिए और देखिए कि आपको वही आउटकम मिलता है तो आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर में मिलने फिर से आएंगे तब तक के लिए गुड बाय